एक प्लेट में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 35 रुपये में अनलिमिटेड भर पेट खाना है जी। क्या बात है, समझ लीजिए इंडिया गेट चावल खिलाया जा रहा है। कितने बजे से? 10 बजे से खुलता है और 11:30 में सब खत्म हो गया। पैकिंग है ज़्यादा, सब पैकिंग मतलब एडवांस बुकिंग हो गया, पैकिंग ही आयल है खाने के लिए। अच्छा, और डेढ़ घंटे में सारा मटन जो है वो ख़त्म हो गया। इतने बड़े पतीले में मटन बना था और डेढ़ घंटे में सारा मामला साफ, पहले से ही लोग एडवांस में बुक कर दिए। जाइएगा तो टीटी लोग भी आते हैं। अच्छा, बगल में स्टेशन है तो टीटी लोग जो है वो आ गए, मतलब जिनको पता है वो अपना आते रहते हैं, पहले से फ़ोन पे बुक कर दिए। हाँ, फोन इनका 10 बजे दुकान खुलता है और 11:30 में सारा मटन ख़त्म हो गया। अगर आप 10 बजे से पहले अगर आप बुक नहीं करवाए तो हो सके आपको नहीं मिला, 11 बजे के बाद तो आप 10 बजे से पहले बुक करवाना पड़ता है। बुक करवाना पड़ता है। कैसा लगा, मतलब एयरपोर्ट से डायरेक्ट यहाँ आना वर्थ रहा कि नहीं? तो ये जो भीड़ भड़का, अलग अलग सब्जी बिक रहा है, अलग अलग भाजी बिक रहा है, अलग अलग चीज़ बिक रहा है, ये सब देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग किसी मंडी में हैं और जिस जगह पर हम लोग हैं ये समझिए कि पटना का सबसे बड़ा सब्जी मंडी है। हम लोग फिलहाल है मीठापुर मंडी में। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। और अभी हम लोग आए भीड़ भड़के वाले मीठापुर मंडी में एक हिडन जेम को ढूंढने और उसके बारे में आपको बताने। ढूंढ ऑलरेडी चुके हैं, अब उस जगह के बारे में बताने वाले हैं। और जिस जगह के बारे में बताने वाले हैं इसका नाम है भुटाली जी होटल, बहुत पुराना होटल है। और इस जगह के बारे में अभी रिसेंटली नहीं पता चला, आज से 1.5 साल पहले पता चला था। तो उस वक्त हम लोग आए थे कि शूट करेंगे, इस जगह के बारे में आपको बताएं। तो जो यहाँ के ओनर है वो थोड़ा बोले कि थोड़ा मतलब नया था, ये सब चीज़ का नॉलेज नहीं था, बोले कि अभी हम लोग का लाइसेंस बना हुआ नहीं, अभी मत बनाइए, कुछ दिक्कत मत हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए। अब कोई इशू नहीं है, तो अभी हम लोग आ चुके हैं इस जगह को कवर करने। और जैसे ही आप अंदर आइएगा ये क्राउड आपको दिख जाएगा, मतलब माहौल पूरा बना हुआ है। यहाँ पर आलू भिंडी का भुजिया बन के रखा हुआ है, इधर देख सकते हैं कि ये पापड़ जो है वो छाना जा रहा है, मतलब पूरा माहौल एकदम सेट है। अंदर में जो है लोग बैठ के खाना खा रहे हैं और अभी कोई खास टाइम नहीं हुआ, अभी बज रहा है 11:15 में ये माहौल है। जहाँ भी आपको लोग दिख रहे होंगे मटन खाते हुए, चिकन खाते हुए, अलग अलग चीज़ खा रहे हैं, वेज ऑप्शन भी है, सब कुछ है। सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं और इस जगह का सारा इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। लोकेशन फिर से बता देते हैं, मीठापुर मंडी है। मीठापुर मंडी कोई एग्जैक्ट लोकेशन वैसा बताने लायक है नहीं, बस समझिए कि मीठापुर मंडी है। यहाँ आइएगा, किसी से भी पूछिएगा कि भुटाली होटल कौन सा है, वो आपको बता देंगे, आप यहाँ पहुँच जाइएगा। तो इधर का जो माहौल है, जो क्राउड देख सकते हैं, यहाँ लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, यही वाला माहौल है। थोड़ा अभी जो ओनर उनसे बात करके आपको दिखाएंगे। यहाँ देख सकते हैं कि खाना जो है उसे निकाला जा रहा है। भैया आप ही ओनर हुए यहाँ के जी? क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार। और किनके किनके नाम पर है ये भुटाली जी होटल? मतलब वो कौन थे? ये मेरे पिताजी थे। आपके पिताजी थे, मतलब वही इस जगह की शुरुआत किए हैं? शुरुआत तो चाय दुकान से था। अच्छा अच्छा, ये जो बगल वाला चाय दुकान है यहाँ से शुरुआत हुआ है? अभी के टाइम पे फोकस पूरा खाने पर है जी। कौन कौन सा आइटम मिलता है? मछली, मुर्गा, मीट, अंडा। सबसे ज़्यादा मतलब डिमांड में हम लोग सुने कि मटन रहता है आपका। मटन, और आप बता रहे हैं कि मटन ख़त्म हो चुका है जी। तो अभी टाइम आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये लगभग सारे ज़्यादा हो गया सर, पैकिंग ज़्यादा इस वजह से ख़त्म हो गया। एक डेक्ची बनता है ये, यही आपका मटन का डेक्ची है? थोड़ा सा प्याज महंगा होने के कारण थोड़ा सा अभी क्वान्टिटी कम हो गया है। प्याज सही बात है, 60-70 रुपये प्याज पहुंच चुका है, इस वजह से थोड़ा कम बना होगा। और 11:30 तक का माहौल आप देख सकते हैं, ये वाला सारा मटन साफ। एक बार भैया ज़रा दिखाइएगा, ढक्कन हटा के, कुछ नहीं बचा, सारा पीस खत्म हो गया है। ये क्वांटिटी कोई कम नहीं था, ये पूरा बड़ा सा डेक्ची है, ये भर के मटन को बनाया गया था और अभी 11:30 में सारा मटन जो है वो साफ हो चुका है। हम लोग के यहाँ सादा का भी बहुत डिमांड है। सादा का क्या रेट रहता है? सादा का 50 रुपये प्लेट है। और क्या क्या इसमें रहेगा? दाल, सब्जी, भुजिया, पापड़, चटनी, अचार, सलाद। अनलिमिटेड रहता है जी? अनलिमिटेड। अच्छा अच्छा, 50 रुपये में अनलिमिटेड खाना खिलाया जा रहा है और सब्जी भी काफ़ी सही सा लग रहा है। किस चीज़ का सब्जी आज है? सीम का, आलू सीम जी। आलू सीम हो गया, आलू भुजिया हो गया, दाल हो गया। यहाँ देखिए ये जो है सब कुछ निकाला जा रहा है, इसी में दाल बना के रखा हुआ है, आलू सीम का सब्जी, चटनी, हरे मिर्च, चावल। और चावल भी देखे, चावल भी अच्छे क्वालिटी का है, इंडिया गेट है, इंडिया गेट चावल देखे यूज़ हो रहा है। आपका 45 हाफ क्वार्टर के, हाफ का 35 है, हाफ क्वार्टर का 45, मतलब फुल का 50। अच्छा, मतलब हाफ भी 35 रुपये में आके खा सकते हैं जी, उसमें ही पेट भर जाएगा एक आदमी का? हाँ, हाफ ही प्लेट में, एक प्लेट में तो आप लोग को तो भरेगा नहीं, एक प्लेट में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब 35 रुपये में अनलिमिटेड भर पेट खाना है जी? क्या बात है, समझ लीजिए इंडिया गेट चावल खिलाया जा रहा है। दो आदमी के हिसाब का है तो समझिए कि हाफ प्लेट में आपका पेट भर जाएगा यहाँ के वेज खाना खा के। हम लोग स्पेशली आज मटन के लिए आए थे, बट वेज भी बहुत सही सा लग रहा है।
ये मटन मतलब क्या पहले से ही बुक हो चुका है? हाँ, बिक हो। अच्छा, पहले से ही मतलब लोग बुकिंग करके गए हुए हैं। मटन का क्या रेट रहता है? 150 रुपये। 150 में क्या क्या? 2 पीस, 1 प्लेट चावल। चावल भर पेट नहीं, 1 प्लेट मतलब इंडिया गेट वाला, वही 1 प्लेट चावल। 1 प्लेट बहुत ज़्यादा हो गया। चलिए, और बड़ा सही सा लग रहा है, मतलब पीस का साइज़ भी कोई छोटा नहीं है और ग्रेवी देखने में ही बहुत सही लग रहा है, खुशबू बहुत बढ़िया आ रहा है। इस तरह का 1 प्लेट मटन होता है। इधर क्वांटिटी जो है ये देख सकते हैं, और आपको दिखाते हैं निकलवा के। ये देखिए, 1 पीस का साइज़ काफ़ी सही सा साइज़ है। 2 पीस जो है मटन जाएगा। इधर हो गया भैया मछली जी, कतला। अच्छा, कतला रहता है जी। इसका क्या रेट है? 90 रुपये। दो पीस और चावल। मछली 1 प्लेट चावल। मछली भी काफ़ी सही सा लग रहा है, देख सकते हैं। 2 पीस है मछली का और पीस का साइज भी प्रॉपर है। ये जो है किचन वाला सेटअप है, कोयले पे सारा काम होता है, कोयले के आज पर ही ग्रेवी वगैरह देख सकते हैं सब कुछ रेडी किया जा रहा है। और इधर हो गया भैया चिकन। ये चिकन है, ये हो गया 80 रुपये का, जिसमें कि 2 पीस चिकन मिलेगा जी और वही चावल मिलेगा। तो 80 रुपये का हो गया चिकन, 90 रुपये का हो गया मछली और 150 रुपये का हो गया मटन। इधर जो है मटन निकला हुआ है, इधर जो चिकन आपको दिखा दिए, ये देख सकते हैं ये चिकन है, 2 पीस चिकन है, ग्रेवी वगैरह जो है सब कुछ भरपूर है। और सामने में जो है ये देखिए, यहाँ तक नज़र जा रहा है, कस्टमर बैठे हुए हैं, कस्टमर का लाइन लगा हुआ है इसे खाने के लिए। तो काफ़ी हद डिमांडिंग सा जगह है और 11:30-12 तक मामला साफ हो जा रहा है। चिकन है, ये चिकन का थाली हो गया जी। अच्छा, ये हो गया 90 प्लेट चावल। इधर देख सकते हैं कुछ कस्टमर लोग हैं जो कि काफ़ी मन से मटन चावल एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेंगे, टेस्ट पूछेंगे कैसा है। टेस्ट तो लाजवाब है बिल्कुल। यहाँ पे हम लोग हर एक वीकेंड में आते रहते हैं, मतलब कहीं भी, मतलब दूर दूर से आते रहते हैं। अच्छा, आप कहाँ से हैं? हम तो दानापुर से हैं। यहाँ खाने के लिए सिर्फ जी? दानापुर से सिर्फ खाने के लिए मटन आए? ये तो बहुत नज़दीक हुआ, लोग तो पहले कहीं से चलते हैं तो वहाँ से फ़ोन कर देते हैं कि भैया यहाँ पे कितने टीटी लोग वगैरह, लोग कुछ देर रुक जाइएगा तो टीटी लोग भी आते हैं। अच्छा अच्छा, बगल में स्टेशन है तो टीटी लोग जो है वो आ गए, मतलब जिनको पता है वो अपना आते रहते हैं, पहले से फ़ोन पे बुक कर दिए। हाँ, फोन इनका 10 बजे दुकान खुलता है और 11:30 में सारा मटन खत्म हो गया। अगर आप 10 बजे से पहले अगर आप बुक नहीं करवाए तो हो सके आपको नहीं मिला, 11 बजे के बाद तो आप 10 बजे से पहले बुक करवाना पड़ता है। बुक करवाना पड़ता है क्योंकि इतना दूर से आ रहे हैं तो फिर खाने के लिए तो बुक कराएंगे। मतलब इतना ज़्यादा डिमांड है कि पहले से मतलब बुकिंग करवाना पड़ता है। अभी मेरा भाई आया दुबई से, आया दुबई से आए हैं तो मैंने इसको एयरपोर्ट से डायरेक्ट इधर ही लेके आ गया। कैसा लगा, मतलब एयरपोर्ट से डायरेक्ट यहाँ आना वर्थ रहा कि नहीं? मैं जब जब आता है यहाँ मटन खा के जाता है। अच्छा, कभी पटना आए तो यहाँ मटन खाए? पटना आए। टेस्ट बहुत बढ़िया है यहाँ का टेस्ट, यहाँ का टेस्ट में वो जो स्पाइसेस है, मसाला है, वो मतलब एकदम गला सा मसाला है, बढ़िया सा एकदम ग्रेवी, मतलब सब कुछ अच्छा सा है टेस्ट। बगल में ही मसाला का मंडी है, एकदम फ्रेश मसाला आ जाता है। हाँ हाँ, एकदम फ्रेश मसाला, हर स्वाद में आपको एक एक अजीब सा फीलिंग आएगा कि हाँ, मैंने हम लोग मटन खा रहे हैं। अच्छा वाला अजीब। हाँ, अच्छा वाला। तो अब हम लोग भी अपना जो खाना है वो लगवाते हैं और आपको टेस्ट बताते हैं। इधर आ गया हाफ चावल, ये हाफ में ये क्वान्टिटी यहाँ दिया जा रहा है। अब जो है आ गया थोड़ा सा प्याज, नेक्स्ट आ गया ये धनिया का चटनी है जी, धनिया का चटनी हो गया। इधर जो है लास्ट का थोड़ा बचा कुछ मटन बचा हुआ है हमारे लिए। दुकान में कितने बजे से खुलता है मटन? लोग खाना कितना? हाँ, दिए ना, वो दिए ना, नली नली। 10 बजे। कितने बजे से? 10 बजे। 10 बजे से खुलता और 11:30 में सब खत्म हो गया? पैकिंग है ज़्यादा, सब पैकिंग, मतलब एडवांस बुकिंग हो गया, पैकिंग है खाने के लिए। अच्छा, डेढ़ घंटे में सारा मटन जो है वो खत्म हो गया, इतने बड़े पतीले में मटन बना था और डेढ़ घंटे में सारा मामला साफ, पहले से ही लोग एडवांस में बुक कर दिए। और एक पीस जो है ये हम लोग ले लिए चिकन, इसको भी टेस्ट कर लेंगे, डाल दीजिए इसी में डाल दीजिए। परफेक्ट। इधर आ चुका है हमारा मटन और चिकन का जो थाली है वो। सबसे अच्छा चीज़ इस जगह का हमको ये लगा, राइस का क्वालिटी। आमतौर पर हम लोग इस तरह का कोई होटल में जाते हैं, ढाबा में जाते हैं तो थोड़ा चावल, उसना चावल वो लोग यूज़ करते हैं, बट यहाँ देखिए एकदम महीन महीन सा इंडिया गेट चावल को यूज़ किया गया है, काफ़ी सही। इधर जो है एक पीस लिए हैं ये चिकन का, चिकन का रेट वगैरह आपको सब कुछ बता चुके हैं। 90 रुपये में चिकन थाली, 80 रुपये में चिकन थाली था, 90 रुपये में मछली वाला थाली। मटन वाला जो थाली है वो 150 रुपये का था चावल के साथ, और पीस का साइज़ देखिए काफ़ी सही था, मतलब लकीली हम लोग को मिला है। थोड़ा सा 5-10 मिनट देर करते तो मटन मिलना मुश्किल था। सबसे पहले मटन को निकालते हैं चावल के ऐसे ऊपर,
और मटन के ग्रेवी के साथ चावल को करते हैं ट्राई। कोशिश करेंगे कि नंबर इनसे लेके डिस्क्रिप्शन में डाल दें ताकि आप लोग भी एडवांस बुकिंग करवा के यहाँ आ सकें। जितना तारीफ हम लोग सुने हैं मटन का, एक्चुअल में जान है। ये मटन जो है थोड़ा वो अंटा घाट साइड जो हम लोग मटन खाते हैं उसका याद दिला रहा है, थोड़ा उस स्टाइल का हमको मटन लग रहा है। डिफरेंस क्या है कि वहाँ बहुत पतला सा ग्रेवी होता है, यहाँ एकदम थिक सा ग्रेवी है। अब ट्राई करते हैं मटन का पीस, देखते हैं ये कितना सॉफ्ट है। एफर्टलेस, टोटली एफर्ट, हल्का सा आपको बस दांत सटाना है, मटन टूट जाएगा, इतना सॉफ्ट मटन है। इधर आइए आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये रसगुल्ले से भी ज़्यादा सॉफ्ट, ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे मटन टूट रहा है, बहुत सही। बहुत चटपटा नहीं है, बहुत तीखा नहीं है, प्याज का अच्छा इस्तेमाल किया गया है, जबकि वो बताएं प्याज अभी काफ़ी महंगा है, बट फिर भी प्याज का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस वजह से ग्रेवी का कंसिस्टेंसी बहुत सही है और हल्का प्याज का अपना मिठास भी होता है, जिस वजह से बहुत चटपटा या बहुत तीखा नहीं है, थिक सा ग्रेवी है। इस साइड आ रहे हैं, कम रेट में अच्छे से पका हुआ गला हुआ भर पेट मटन चावल खाना है, बहुत सही जगह। अब आते हैं चिकन में, मतलब मटन में इतना गुम हो कहें कि चिकन भी है भूल गए। ये इसका ग्रेवी थोड़ा हमको मटन के कंपैरिजन में पतला लगा, लेग पीस को ट्राई करते, नहीं नहीं ऊपर से लग रहा था, ये भी सही है, प्लस भारी भरकम सा लेग पीस है। मटन की भांति ये भी बिल्कुल सॉफ्ट अच्छे से पका हुआ, ग्रेवी को ट्राई करते हैं। दोनों ही चीज़ में प्याज का डोमिनेंस है, प्याज को भरपूर डाला गया है जिससे कि ग्रेवी थिक है और बहुत तीखा नहीं है, बैलेंस में तीखा है, क्योंकि हर तरह का लोग आते हैं, किन्हीं को तीखा नहीं खाना होता है, तो ऐसा बनाया गया है हर कोई खा सके, अच्छा लगा। ओवरऑल प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही लगा। हम करते हैं वीडियो, कॉमेंट कीजिए जगह के बारे में आपको पता है कि नहीं, अगर इस मटन का रेसिपी देखना चाहते हैं तो कॉमेंट कीजिए, हम लोग ट्राई करेंगे कि कभी आएँ और रेसिपी जो है वो कवर करें। आज के लिए इतना ही,